डेढ़ सौ रुपया लेगा कभी पोता के ससुराल में। ये मेरा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। खुशखबरी के साथ मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं LLM का रिजल्ट भाभी का आ गया है। भाभी एडवोकेट हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि वो जैसे ही आई उनका रिजल्ट आ गया है। फिर इसमें तुम्हारा वैसा होगा, वो जैसे पहनाते हैं तो वो करते हैं, उसके लिए जबलपुर जाना पड़ेगा। वो वाला एग्जाम आने वाला, जबलपुर टाइम अभी है। अभी मेरा LLM का थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, मेरे को लग रहा था मेरे पेपर अच्छे से बहुत बस रिजल्ट पास हुई है। क्या हो गया पापा? बना रही हूँ पापा को कितना ध्यान है उनकी बेटी पापा कह रहे थे तेरी हम जा रहे घूमने मेरे पापा। बाय बाय। लड़की कभी पोता कभी पोता के ससुराल में। ये मेरा ससुराल तो मेरा घर मेरा है। मायका मेरा सामने। हाँ, वो मायका है। सफाई हो गई क्या? ये अच्छा लग रहा है। अब इस पे एक अगर एक जैसे ज्यादा बिछाएंगे तो और अच्छा लगेगा। मेरा घर मेरा ये वाली रस्म तो जितना हमें देखने में मजा आया ना, उससे ज्यादा मजा तो भाई को आया इसको मारने में। बोलता है बस इतनी जल्दी हो क्या, थोड़ा लंबा सा होना चाहिए था, इतनी धीरे धीरे क्यों मारते हैं, थोड़ा लट्ठ वट्ठ लाओ, थोड़ा अच्छे से मारा जाए, ऐसा बोल रहा था बदतमीज। ऐसी हंसी मजाक चलती रहती है। और ये रस्म के टाइम ही नहीं, नॉर्मल भी ये लोग हंसते बोलते ऐसे ही रहते हैं दोस्तों की तरह बिल्कुल। फिर यहाँ पर रसम करनी थी ढोलक वाली, जिसमें भाभी भजन गाएंगी, और ढोलक बिल्कुल भी अच्छी नहीं बज रही थी। इस ढोलक से तो शबनम भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कोई ढंग की ढोलक ला दो यार, हमको बन्ना बन्नी गाना है, तो कुछ अरेंज नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर हम खरीद के ले आते, उससे बेहतर तो हम खरीद के ले आते, लेकिन उतने टाइम भी बहुत परेशान हो गए भाभी को भी, इसमें ठीक से बजाते भी नहीं बन रहा था, तो उन्होंने छोड़ ही दी कि अब रहने दो मैं ऐसे ही गा लूँगी।
ये रस्म होने के बाद में ढोलक की पूजा की, और उसके बाद जैसे हम लोग फ्री हुए ना तो भाभी के मायके वाले आए, और आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इस लड़की ने क्या करवाया होगा। मतलब मैं बाकी का तो शूट नहीं कर पाई, आधे से ज्यादा शूट तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। जब वो लोग आए हम लोग बातें बातें कर रहे थे ना, मैंने इससे बोला कि जा कमरे में जाके थोड़ी बात कर ले। बोले दीदी मेरे पास चुगली करने के लिए कुछ है ही नहीं क्या बात करूँ। तो जब मैंने वहाँ का माहौल देखा तो कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई साफ कर रहा है, कोई अलमारी जमा रहा है, मतलब आप हालत देखो खाली, स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत काम करवा रही है दोनों, ये कर रही है मेरे सब, ये सामान सेट कर रहे हैं मेरे घर वाले, कितने 150 रुपया लेगा। मैंने पहले तो बोला कि बात कर रहे हैं, जीजा बोल रहे हैं मैं खुद ही कर लूंगा। आधा दिखाते हैं, एक चीज और कर सकती हूं, तो चाहे 300 को एक रूम में भी रख सकती हूं। नहीं, मेरे को मेरा हॉल अच्छा दिखाने का। देखो मैंने कितना काम कराया, ये देखो, ये इधर माइक्रोवेव आ गया, इधर मेरा फ्रिज आ गया, चलो बहुत काम करवा रही है आपकी। ये देखो अब ये वाला ड्रेसिंग हटने वाला है, पुराना वाला नया वाला फिट हो गया। और टीवी कब सेट हुई, ये कहाँ रहती है, हमारे उससे पहले से सेट है। ये देखो ये हमसे जमवा भी नहीं है यार दीदी, मेरे इधर रखना ना, मेरे सामान ही रहे ना, ऐसे ऐसे तलवारी खोलो ऐसे गिरते हैं। ठीक है, मतलब ये देखो ये हमारी नया दिन इतना बड़ा किट दिया, और इतना ही बड़ा मैं भी लेके आई हूँ, तो मुझे कितना मेकअप करना है। वो मेकअप करते हैं, ड्रायर आ गया, चूड़ी का एक बॉक्स यहाँ है, एक बेचारा गरीब जैसा घूम रहा है इतना बड़ा। देखो सैंडल कलेक्शन देखो, अभी मेरे को एक दिन हुआ है, मेरे पास इतना सैंडल कलेक्शन है, एक जोड़ी पहन रखी है। तेरे को सबसे सुंदर कौन सा लगा पहले ये बता, जो अभी पहन के घूम रही हूँ वो और ये है ना। तुम्हारे आदमी को अच्छा लगा क्या ये वाला, वो प्लेन ही पसंद आता है उनको, ये अच्छा लगा उनको। और इसमें देखो क्या, इसमें आपको पियर्स मिलेगा, और इसमें मेरा मेकअप जो अभी सिर्फ थोड़ा सा खुला कराते हैं लोग। ये देखो ये इससे आज मैं रेडी हुई थी, अब मेरे को इनको संभाल के। वाओ मुझे ना सबसे अच्छा लगा, दो दो तीन दिन बॉक्स के बाद में तेरा मेकअप इसमें रखा रहेगा। मुझे सबसे अच्छा ये लगा जो मुझे चाहिए होता है, ले जा तू ये। अच्छा अभी नहीं नहीं, अभी अभी वो क्या है, दुल्हन ना पता चले मेरे को ना बोले आजकल मेरे घर में, तो मेकअप बहुत सारा है मेरे पे। ये मेरा था, इस वक्त सुंदर लग रहा है, इसका बॉक्स भी बड़ा सुंदर है पता है। मैं तो इतनी पागल हूँ ना आदि, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। ये देखिए इसका बॉक्स इतना अच्छा, ये तूने एक दिन में इतना सारा वो कर लिया। तो दीदी मेकअप यू नो आपकी भाभी को मेकअप की कितनी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, करती नहीं है। अरे अभी नई नई शादी हुई है। शुभम भैया का कहना यह है कि ये ऐसा ही पैक रखा रहा है, उससे बेहतर है कि इसको पूरा सेट करके रख दिया जाए, नहीं तो ये ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो खड़े होकर पूरा काम करवा रहे हैं भैया, तो मस्ती मजाक के साथ में सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। ताशी को देख रहे हो आप, कितना मजा आ रहा है उसको। देख तो शोमू, शोमू देख तो क्या घर जमा रहे, यही होगा आधा जमा दिए हैं, एसटी वाले हो गए। झाड़ू लगवा मुझसे, मैं आपको बात बता दूं, ये गलत बात है, 15 दिन बाद भी सब एसटी आता रहेगा। हां वो तो है, डॉक्टर लगाओ, बड़ी वाली परात थी ना, मैं सुनना भाई चल ना। मतलब अपने देश ने इतनी तरक्की कर ली, मेरे को मालूम ही नहीं था ये कोई भी कमा रहा है। इसी मस्ती मजाक के साथ में मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बड़ी होगी यार।